बिल्कुल भाई जी, फैमिली कैसे हैं आप सब? मैंने सब ठीक ठाक होंगी और खैरियत से भी होंगी। अच्छा जी, आज जो है मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और यूनिवर्सिटी में हमारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, स्पोर्ट्स काला हो रहे हैं। आज जो है हमारी ओपनिंग है, हमारा मार्च पास होगा और गेम्स वगैरह होंगी जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। मैंने दो गेम पार्टिसिपेट किया, एक लूडो में और एक म्यूजिकल चेयर में। हमारा थीम जो ब्लैक का था कि आपने ब्लैक ड्रेसिंग करनी है, मैंने ब्लैक ड्रेसिंग करके ऊपर ये मैंने इस तरह शॉल करके हिजाब किया हुआ है। अच्छा जी, जब गेम्स वगैरह स्टार्ट होगी, मार्च पास स्टार्ट होगा, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ शेयर करना। अच्छा जी, जैसे मैंने थीम के अकॉर्डिंग जो है, मुझे पर्सनली भी ब्लैक कलर बहुत पसंद है। मैंने अजरक के साथ ब्लैक शर्ट बाथनीस पहनी और हम सब फ्रेंड्स ने तो बिल्कुल हमें ना वो तेरा मेरा करना होता है कि तूने काला पहना मैंने भी काला पहना, तूने ग्रे पहना मैंने भी ग्रे पहना। थीम को छोड़ के भी हमारा पर्सनली जो ना बड़ा अच्छा लगता है हमें कलर। और ये जो मैं हलवा पूरी का नाश्ता लेके आई थी, हम जो है ना खाने की मशीन है। अगर आप लोग देखना चाहते ना कि हमारा ग्रुप कहाँ पर, आपको एवरी टाइम कैफे में मिलेगा, हम वहाँ पर बैठ के टूस रहे होते हैं। यहाँ पर जो नेशनल एंथम था, मैंने उसको जो म्यूट कर दिया कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। नेशनल एंथम लगा हुआ था, सब जो है बड़े तमीज़दार बच्चे बन के खड़े होते, हालांकि हमें ज़रा आने की तमीज़ नहीं है एक दूसरे को, हम जो है ना तंग करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। साइड पे जो मैं खड़ी हुई थी वीडियो बनाने के लिए कि ना एक वीडियो अच्छी सी एक अच्छा सा क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाए। ब्लैक थीम के साथ साथ ब्लैक बलून्स, और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इनको चाहिए था कि ब्लैक चार्ट पकड़ते, इतने को नल्ले हैं ना, इतने नल्ले हैं, इन्होंने जो ना वाइट चार्ट के ऊपर ना किसी रंग बिरंगे कलर से लिखा हुआ था इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट, हद हो गई थी। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ, मतलब कि ना हुआ कुछ भी नहीं था, हमने अपना ही किया। अपना सब कुछ करने के बाद, जैसे इधर जो गेम्स हो रही हैं, ऐं ही मैं घुस रही थी वीडियो बनाने के लिए, सारे के सारे लड़के थे और इतना ना थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी कि लड़के हैं वीडियो बनानी पड़ेगी, ये है तो वो है, बस डर भी लग रहा था। हम ग्राउंड में चली जाती हैं सब फ्रेंड्स, हमें ये डर लग रहा था कहीं बोलना लग जाए, सर पे बोलना लग जाए, कहीं पीछे बोलना लग जाए, यहाँ बोलना लग जाए, एहतियात इलाज से बेहतर है। और इधर जो ना मैं बलून पुराने की कोशिश करी थी, लेकिन ना मेरे अंदर इतनी हवा ही नहीं है, आप लोगों को मुझे देख कर लगता ही होगा। ये बाकी अब आप थीम वगैरह देखें, इंजॉय करें। अभी हमारी रैली मार्च पास वगैरह सब कुछ होगा, इनके बलून ये टिड्डी टिड्डी लड़कियाँ थी छोटी छोटी, ऐसे अपने नन्हे हाथों से बलून लेके घुमा रही थी। आज का जो वॉइस ओवर है ना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कर रही हूँ, उसके साथ बैठ कर, पता मेरे में से क्या क्या निकल रहा है, जो चीज़ बुरी लगे उसे इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी बड़ा इंजॉय किया था। और ये स्नो स्प्रे है, फिर मेरे मुंह से कुछ सुन लेंगे, ऐसे मुंह में आके मारती है बंदर, इतने मुश्किलों से मेकअप किया होता है लोगों को इंप्रेस करने के लिए, सारा मेकअप ऐसे दिया नाश कर देती है बहुत तरीके से। बस हो गया हमारा रैली, हमारा मार्च पास गए, हम इतने प्यारे इतने इंतजाम के साथ नारे लगाते हैं, हा हा रा री 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 हा हू हा करते करते वापस ऐसे आए कि एक कपल वहाँ पे घुस गया, दूसरा कपल वहाँ पे घुस गया, तीसरा कपल वहाँ पे घुस गया, कोई पता नहीं कोई कहाँ पे, कुछ नहीं पता हमें। यहाँ पे जो है गेम्स हुई बड़ी मुश्किलों से, सिर्फ लड़कों की गेम हुई, हमारी कोई गेम नहीं हुई। मैम ने कह दिया कि आप लोगों की वीडियो बनके वायरल हो जाएगी, जो लड़कियाँ खुद ही वायरल होना चाहती हूँ उनकी नहीं गेम करवाई कि हम लोग वायरल ना हो जाए। हम लोग तो चाहते हैं हम लोग वायरल हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हमारी गेम्स नहीं करवाई। फिर हमने लड़कों की वीडियो बनाई और इतने को ये जिले थे, इतने जिले थे, इतने जिले ऐसे दो मैं आपको बता नहीं सकती। इन्होंने जो ना ऐसे कीड़ियों की दुम पर जो ना वो भाग रहे थे, इधर एक मोटा है वो इतना तेज था, इतना तेज वो ऐसे सीट ले रहा था जैसे ना वो म्यूजिकल चेयर सीख कर आया कि कैसे खेलते हैं, लेकिन लास्ट में ना वो निकल गया था। बस जो भी था ना काफ़ी इंजॉय किया, और ये बस ये भाग रहे हैं, इनको भागने पर नहीं आता था, पता नहीं कि भाई इन्होंने म्यूजिकल चेयर खेला नहीं था। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, इसके बाद इन्होंने ना एक और गेम होती है जिसमें रस्सा खींचते हैं, मुझे उस गेम का नाम नहीं याद आ रहा, जो भी है दफ़ा करो। हाँ, टग ऑफ वार, टग ऑफ वार, मेरे दोस्त पीछे कह रही टग ऑफ वार, टग ऑफ वार। उस गेम में पहले तो इन्होंने घंटा लगा के डिसाइड किया पांच लोग इधर होंगे, चार लोग इधर होंगे, पांच लोग इधर, और एक ही सेकंड में एक मोटे ने रस्सा खींचा और सारे उसके ऊपर जाकर गिरे हुए थे। इनकी म्यूजिकल चेयर इतनी लंबी गई थी ना, यहाँ पे ना बस अब आप लोग इसको देखें और इन्जॉय करें। चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा।
क्या कर रहे हैं आप? जो है ना इनका लास्ट चल रहा है, ये एक ही चेयर रह गई आई थिंक सो। हाँ एक ही चेयर है, इस पर जो ना इनका फाइनल हो रहा है। हाँ आज मैंने वॉइस ओवर बहुत खुल के किया है, अपनी क्लास की तमाम बुराइयाँ करके ना मेरा दिल हल्का हो गया। मैं अपने दिल में दबा दबा कर फिरती थी ताकि समझ यूट्यूब जी मुझे मौका मिला यहाँ पर अपनी क्लास के बारे में बात करने का। ओ मेरे खुदाया, बस जी इसको देखें, इनका जो फाइनल चल रहा है और ये जो हो गया फाइनल, जो जीत गया वो कह रहा था कि मैं जीता हूँ, जो हारा था वो कह रहा था मैं जीता हूँ। बस इनका पागल हो गए थे ये लोग। अब इनका टग ऑफ वार देखिएगा ज़रा कैसे खींच रहे हैं, पता नहीं खाते पीते इन्होंने हराम किया, मैं मेरी तरह सुकरे सुकरे ले आए थे टग ऑफ वार।